सामने एक बार चंदी जी सेंटर यहाँ चंदी जी यहाँ पे शेखर जी अभी सर अरे आएंगे ना सर यहाँ वेट वेट चल गया वेट वेट सर अरुण शेखर जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन फिल्म भूमि के लिए जहाँ तक हमने सुना कि फिल्म की शूटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी हाँ भूमि फिल्म की शूटिंग 1.5-2 महीने पहले शुरू हुई थी और ख़त्म हो गई है ये एक छोटा सा गेट टुगेदर है जिससे मैं पार्टी का नाम नहीं देना चाहूँगा क्योंकि पार्टी में थोड़ी अय्याशी आ जाती है तो ये पार्टी नहीं है ये सेलिब्रेशन है सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ सेलिब्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन ऑफ कम्प्लीटिंग द फिल्म बहुत सारी बातें हैं संजय और हम को 20 साल पहले एक फिल्म में काम कर चुके हैं दिलीप कल्याणी जी के जो मनमोहन देसाई जी के चीफ असिस्टेंट थे इंसाफ अपने लहू से और उसमें हमने भाइयों का रोल अदा किया था और इसमें दोस्तों का रोल अदा किया है और मुझे ऐसा लगा कि एक एक मुद्दत के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में वापस आए हैं और बड़े संघर्ष के बाद और कई मुश्किलात के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए चूँकि मैं उनके करीब रहा हूँ इसलिए ये न्योता जो है उसके एवज में है और फिल्म के एवज में है फिल्म कम्प्लीट हुई है और बड़े खुले दिल से हम सब ने उनका आगमन किया है फिल्म इंडस्ट्री में और इस फिल्म में जिसके ज़रिए उनकी वापसी हो रही है भूषण कुमार जी की फिल्म है उमंग कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं संदीप सिंह इसके प्रोड्यूसर हैं और मेरी भी इसमें एक अहम भूमिका है तो कुल मिला के एक परिवार सा हो गया और मुझे ऐसा लगा कि जब परिवार जब साथ में मिलते हैं तो थोड़ा बहुत जश्न भी हो जाता है तो उसी के मुताबिक ये जश्न है आज आपके किरदार के बारे में कुछ अगर हम जान थोड़ा बहुत अगर आप बताएं क्योंकि संजय दत्त हमने सुना है संजय दत्त अदिति राव मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो मौका है ना ये सिर्फ दोस्ती निभाने का है मैं किरदार के बारे में फिर कभी बात कर लूँगा अभी कर भी दूंगा मैं एक टूरिस्ट गाइड प्ले करता हूं जो ताज में एक टूरिस्ट है और संजय की एक दुकान होती है जूतों की और हम दोनों दोस्त हैं और साथ में ज़िंदगी गुजर रही होती है और फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर सबकी ज़िंदगियां पलट जाती हैं ये भूमि का प्लॉट है और इसके बारे में हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी ना मौका है ना वक्त है और ना ये दस्तूर है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं और साथ मिलने के लिए और गले मिलने के लिए और मैंने कहा जस्ट वेलकमिंग हिम बैक टू द फोल्ड बैक टू द फिल्म इंडस्ट्री वी ऑल वेरी एक्साइटेड टू सी हिम वंस अगेन ऑन द बिग स्क्रीन एंड ही इज़ कमिंग बैक जस्ट विद द राइट रोल और एक उनको नज़दीक से जानने का मौका मिला ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर और जिस तरह की भूमिका उन्होंने निभाई है पीपल आर गोइंग टू लव हिम इन दैट रोल और उनका रोल उन्होंने निभाया है इसमें एंड पीपल आर गोइंग टू सी जस्ट अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ संजय दत्त इन दिस मूवी और जिस तरह से उन्होंने नाम में वास्तव में और मुन्ना भाई में लोगों को चौंका दिया था उसी तरह भूमि में भी मैं आपको वादा करता हूँ कि विथ हिज परफॉर्मेंस ही इज़ गोइंग टू टेक एवरीवन बाय बाय सरप्राइज फिल्म के शूट के दौरान जो थोड़ी बहुत हमारे पास पिक्चर आई थी कि ताजमहल के किनारे ये सब जो कुछ भी शूट किया कैसा रहा ताजमहल और ये सब पूरा ओवरऑल भाई ताजमहल के नज़दीक जो भी जाता है वो खूबसूरत हो जाता है खूबसूरत तो उसमें कोई दो राय नहीं है ताजमहल जो है मोहब्बत की निशानी है और हम सब एक मोहब्बत के धागे में बंधे सभी लोग पूरी यूनिट मैं अदिति संजय शरद सिद्धांत जितने लोग हैं संदीप उमंग वनीता उनकी पत्नी तो हम सब वही मोहब्बत के धागे में बंधे और ताजमहल हमने कहा कि एक बहुत माकूल सी जगह है जहाँ पहुँच के आपको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का एहसास होता है और ताज की चमक से जो चमक आपके चेहरे पे आती है वो जाहिर है कि बहुत खूबसूरत होगी एक आखिरी सवाल ये आपने कहा आपके भी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं बॉम्बे 2017 में
जी 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 कंप्लीट हो जाएगी जी, क्या स्टेटस है? नहीं, मैं अभी अपने अब चूँकि भूमि बीच में आ गई और मैंने सारा वक्त यहाँ दिया, मैं अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पे हूँ, जो मैं बॉम्बे डाइंग जो फिल्म है वो लिख रहा हूँ, और आप कई चीज़ें जो हैं वो लेकर आगे चलते हैं, और वक्त जो है बहुत सारी चीज़ें लेकर आपके सामने आ जाता है, तो कई चीज़ें रुक जाती हैं, थम जाती हैं एक और वक्त के लिए, और जिसको अभी तवज्जो देनी है, जिसको प्रायोरिटी देनी है, वो चीज़ें आगे आ जाती हैं। तो फिलहाल मेरी प्रायोरिटी सिर्फ भूमि के लिए है, जो 22 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस एक बड़ी फिल्म का एक अहम हिस्सा हूँ। तो बॉम्बे डाइंग के लिए कुछ स्टार कास्ट फाइनलाइज नहीं, अभी 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 अभी, अभी कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कहानी पटकथा और उसके संवाद लिखें, जब तक वो पूरी तरह से मुकम्मल ना हो जाए तब तक आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं देखता हूँ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं लेकिन चल इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि उसमें कहानी नहीं होती या एक सूत्र नहीं होता है, एक रिलेटिबिलिटी नहीं होती, और लोगों को लगता है कि ये लोकेशंस बड़े हैं, गाने बड़े हैं, सब कुछ बढ़िया है, सेट्स बड़े हैं, सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहानी नदारद है। इसलिए और एक छोटी कहानी को लेकर एक एक फिल्म पीकू चलती है या पिंक चलती है या पान सिंह तोमर चलती है, लोग उसे आइडेंटिफाई करते, इसलिए कहानी बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पार्टी भी नहीं है, जश्न है, जश्न और पार्टी में फर्क है। अच्छा, जश्न। हाँ जी, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जिंदगी को। जी, संजय निरुपम जी आ चुके हैं, हाँ, तो कितना एंजॉय होने वाला है जश्न? आई थिंक मिल बैठ के जब चार यार बैठेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, नहीं वो नहीं, पर बहुत सारी बातें निकलेंगी, बहुत सारी पुरानी बातें और जो नई बातें होने वाली हैं। एक हम अपनी अपनी जगह इंडस्ट्री में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि एक दूसरे के बारे में सिर्फ अखबारों में पढ़ते रहते हैं या न्यूज़ चैनल में या सोशल नेटवर्किंग साइट पर, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक थोड़ा सा वक्त निकाल के ऐसा कुछ माहौल पैदा करें जहाँ आप एक जश्न मनाएं और सारे जो दोस्त हैं साथी हैं वो इकट्ठे मिलकर एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Thank you, sir.
बाबा सेंटर स्ट्रेट आपके बाबा हाथ इनो तेरा सेंटर रखना बाबा सेंटर देख रहा हूँ बाबा थैंक यू बाबा अदिति जी सबसे पहले कैसा रहा एक्सपीरियंस भूमि का अमेजिंग बहुत मैं हमेशा कहती हूँ भूमि इज बीन सोल रेंचिंग एंड सोल सैटिस्फाइंग इट्स बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट इट्स आई थिंक उमंग सर ऑलवेज मेक्स फिल्म्स दैट आर वेरी वेरी चैलेंजिंग वेरी मतलब आपको निचोड़ के सो द सब्जेक्ट इज ऑल्सो लाइक दैट सो इट्स बीन क्वाइट हेक्टिक इन दैट वे बट इट्स ऑल्सो बीन अमेजिंग जस्ट टू बी एबल टू लिव दैट जर्नी टू वर्क विद संजू सर आई नेवर थॉट दैट आई वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम बट इट्स बीन अमेजिंग टू वर्क विद हिम And I have messages from so many people for him, which maybe I'll give him today. जितना कि हमने सुना है कि your फिर से जितना कि हमने सुना है कि आपका और बाबा का जो एक डैडी और बेटी का जी वो कैसा रहा एक्सपीरियंस हमने जो थोड़ा बहुत देखा है कि आप उनके बालों में डाई कर रही हैं अच्छा देखा थोड़ा बहुत हमने देखा था अच्छा आप बताइए कि कैसा रहा मतलब जैसे मैंने कहा कि इट्स आई डिडंट थिंक दैट आई वुड एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद संजू सर एंड टू हैव ऐसी टाइप की जो कहानी है एक फादर और डॉटर की कहानी एक तो बहुत एनी वे स्पेशल होता है द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड डॉटर मदर एंड डॉटर दीज आर वेरी वेरी स्पेशल रिलेशनशिप्स अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है और जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो एक करीबी होती है बिटवीन फादर्स एंड डॉटर्स I think the way that this has been shown in the film is very, very sweet. And just to live that, you know, jab aap film karte, you actually live that, you know, for that time. So it was very special to have Sanju sir. He's also like, he's so amazing to work with just because he's, I mean, apart from the fact, wo bahut hasate hain. Ek to ek shot mein hum log ro rahe hain, uske ek second pehle wo aapko hasayenge. But... he's very natural and it's so amazing to react to him because wo kabhi kabhi kuch aur kar dete hain you naturally react to him so that's it's really been amazing Ma'am, it's to work come back movie of Sanjay sir so how you are excited for it I'm excited just like y'all are excited like I think everybody is excited and the same way I'm also a very big fan of his and I'm also really excited I've seen how he has worked on this film like he got hurt he एक सेकंड के लिए भी वो रुके नहीं एक्शन सीक्वेंस के समय उनको चोट लगी इमीडिएटली उठ के उन्होंने टेक दिया सो आई हैव सीन हाउ ही हैज वर्कड एंड इट्स आई एम डाइंग टू नाउ वॉच हिम ऑन स्क्रीन इवन दो आई हैव सीन हिम लाइक दिस मोस्ट ऑफ द सीन्स आर फ्रॉम आगरा ओनली सो ताजमहल यू हैव एंजॉयड इट द सिंबल्स ऑफ लव शूटिंग एंड ताजमहल वो कैसे वी गोइंग टू सी एनी लव इन दिस सीन समथिंग आई डोंट वांट टू टेल यू टू एनीथिंग अबाउट द स्टोरी बट देयर इज अ रीजन दैट दे हैव सेट इट इन आगरा बिकॉज आगरा इज द सिटी ऑफ लव एंड इट्स सच अ आई मीन इट्स इट इज अ You know, it is a metaphor for love, but at the same time, what happens in this film is kind of diametrically opposite to that. So I think that is why Umang sir chose the film. Also, Agra make flavor hai. Bahut galiyan aur bahut sare plastic bags. I wish nahi hote, lekin hai. But I'm just kidding. But anyway, so Agra has a special, very a lot of flavor. Unki ek ek vibe hai aur bahut sundar bhi hai, especially that Taj area. So ओके अदिति जी जैसे कि हम सभी ने देखा कि संजय दत्त की बायोपिक फिल्म भी आ रही है और रणबीर कपूर कर रहे हैं थोड़ा सा जो उनका लुक आया है आपने भी आई थिंक देखा होगा तो आप बताइए आपके आपको कैसा लगा सी आई एम मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन हूं जिस तरह से रणबीर कपूर ने अपने आप को ट्रांसफॉर्मिंग किया है आप बताइए कि सी एक तो वो राजू सर की फिल्म है आई मीन ही इज जस्ट अमेजिंग ही आई मीन हिज स्क्रिप्ट्स आर अमेजिंग ही डायरेक्ट्स अमेजिंगली वो बहुत ही एक तो
उनकी फिल्मों में इट्स मच मोर देन अ फिल्म. वो हम लाइक इवन मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, इट्स सेज सो मच मोर देन जस्ट दैट फिल्म, राइट? सो आई एम श्योर इवन दिस. एक तो संजू सर की कहानी जो है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विद हिज ओन स्टोरी. वो ऐसे बैठ के कुछ कुछ किस्से बताते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि इतना ईजिली कैसे, आई मीन ही सेज इट्स इन सच एन अमेजिंग वे. सो आई थिंक जस्ट द फैक्ट कि ये क्या हुआ, जस्ट द फैक्ट कि ये कहानी बताई जा रही है इज इनक्रेडिबल. एंड रणबीर, लाइक आई सेड, आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ रणबीर. एंड उन्होंने सच्ची में अपने आप को ढाल लिया है उस उनका एक मैनरिज्म भी है. एंड इनफैक्ट मैं उनसे जाके मिली भी थी ऑन सेट, बिकॉज हम लोग पास में शूटिंग कर रहे थे. सो आई सॉ संजू सर, आई वाज शूटिंग विद हिम, एंड देन आई वेंट एंड सॉ रणबीर, एंड आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है यहाँ पे. सो इट वाज रियली अमेजिंग. एंड या इट्स, आई थिंक इट्स गोना बी एपिक. क्योंकि आज हम एक रैप अप की एक सक्सेस पार्टी भी कहते हैं या रैप अप पार्टी, अपने पूरा प्रमोशन का काम यहीं पे करा रहे हैं. प्रमोशन तो कितना एंजॉय होने वाला आज की शाम. यू हैं, बाबा हैं, एक्चुअली हम लोग करीब सारे स्टार कास्ट. नो, आई एम रियली हैप्पी बिकॉज़ यू नो द फिल्म इज वेरी हेक्टिक. एक बहुत इंटेंस ड्रामा है, तो वी हैव बीन सो लाइक हेक्टिक थ्रू द शूट ऑफ द फिल्म कि हमें एक सेकेंड का मौका नहीं मिला है टू चिल. दो संजू सर लव्स टू फीड पीपल, एंड very often in Agra he would have this amazing buffet, like amazing khana for all of us, and it was really really sweet. But actually chill time ka mauka nahi mila, so we are going to chill today, which is really really nice. Mera shoot hai kal bahut subah, to mujhe actually wapas jaake sona bhi padega kyunki hum log something. But we have been shooting nights, so literally for the past 5 days I have slept 3 hours 2 hours. So I hope that I can have a great time, but I hope that I also get some sleep. जजीव मैम, आपने कहा कि आप रणवीर के भी फैन हैं, तो आप किस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, भूमि या बायोपिक सर की? दैट्स सो मीन, आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन. बोथ. मैं एक फिल्म के लिए क्यों एक्साइटेड, मैं बहुत सारी फिल्म्स के लिए एक्साइटेड. ओके, तो आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके लिए आप शूटिंग कर रही हैं, क्या नाम है फिल्म का, या फिर कुछ बताना चाहेंगे? बट एट द मोमेंट फिल्म है एड शूट की व्हाट? नहीं नहीं, दैट्स समथिंग एल्स. नहीं नहीं, वो मैं नहीं बता सकती आपको, सॉरी. But abhi to main, I'm going to hopefully go back to the Padmavati set, because that's abhi kafi baki hai uska. And yeah, so at the moment that's what I'm doing. To kyunki Padmavati ki agar main baat karu, kai sare problem ke baad ab humne jo suna hai ki continue shooting chal rahi hai, to aap bataiye ki ye kab tak aa jayegi Padmavati November edition? Actually I'm the wrong person to answer this question. Aapke anusar? Nahi, main mere anusar main to kuch bhi bol sakti hu. No, I'm the wrong person to answer this question. I think there are people who are handling this, and they are very good at what they're doing. I am an actor, and I'm just so blessed to be working with them that this is not a question. I have sachi mein main kaise answer kar sakti hu question. I just hope and pray that no difficulties are faced, because I really believe that somebody like Sanjay sir, somebody we should, Sanjay Leela Bhansali sir, since there are two Sanjay sirs, he's somebody that we should be proud of. और उनकी आवाज़ हमें कर्ब नहीं करनी चाहिए. ही somebody वी शुड लाइक, ही क्रिएट सिनेमैटिक हिस्ट्री, एंड वी शुड रियली बी प्राउड ऑफ हिम, एंड वी शुड गिव हिम अ प्लेटफॉर्म टू मेक हिज फिल्म्स इन पीस, बिकॉज ही मेक्स ब्यूटीफुल फिल्म्स. थैंक यू सो मच. एंजॉय द Wait. How long? Wait. Oh yeah. Thank you. Thank you.